और अभी ना एक चीज देखकर हमको काफी ज्यादा खुशी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा बादल कहाँ है। देखिए इतना ज्यादा ये धुआं उठ रहा है ना। अरे खूब मजा आ रहा भैया, चलिए चलिए। संदरूप का मजा, लेकिन अभी नहीं है तो अभी पैदल चलना पड़ रहा है। 7-8 किलोमीटर दूर है। अगर कोई चिन्ह पहचान वाला नहीं मिलेगा तो इतना दूर पैदल जाना पड़ेगा। लीजिए बाबा, लीजिए, खा लीजिए आप भी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, कल शाम से ही दोस्तों पूरा एकदम तगड़ी बारिश हो रही है और पूरा रात एकदम ऐसे ही बारिश हुआ है। दातुन का जुगाड़ करने आए हैं कहीं इधर, और ये देखे इतना तेज बारिश हुआ है ना कि तालाब का पानी भी बाहर फेंक दिया। तड़ 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 बारिश हो रहा, पूरा एकदम इतना तेज बारिश हो रहा ना, समझ नहीं आ रहा क्या करे। देख लो कितना तेज बारिश हो रहा है, लगता है हम भीग जाएंगे पूरा। भीगो कहीं मानेंगे भगवान जी। मिल गया दोस्तों कोई सा भी दातुन एक, हमको यही कर लेते हैं, जो मिल गया वही सही है। तो बारिश एकदम बंद हो चुका है और अभी 10 बज चुके हैं और अभी मौसम तो एकदम प्यारा सा हो रखा है, एकदम ठंड ठंड सा हवा चल रहा है। चारों तरफ अंधकार में काला दिखाई दे रहा है बादल। इधर एक चीज है, अरबी का पत्ता ना काफी ज्यादा उगाया जाता है और इसका ना बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ी बनता है। सही बता रहे, हम सब के वहां भी सेम टू सेम इसी तरह होता है। हमारे घर पर भी दोस्तों अरबी उगाया गया है। ये वाला जो पत्ता होता है ना, ये अरबी का पत्ता, इसे हम लोग तो गांव में इसे सोहिना बोलते हैं। इसका सब्जी पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और एक चीज हमने देखा है ना दोस्तों, इधर झारखंड में इस समय ना जो धान का फसल वसल है ना, एक तो बहुत कम लोग धान का फसल इधर उगाते हैं क्योंकि इधर पहाड़ी एरिया है तो उगता उगता ही नहीं है शायद। और इधर जो धान है ना, अभी देखिए इधर ये सामने वाला धान का खेत है, धान का फसल उगाया गया है, चावल। तो इधर ना बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है हम लोगों को। उधर दोस्तों धान वन सब फूट गया है और एक महीने बाद तो कटाई उटाई भी शुरू हो जाएगी। और आप में से कितने लोग कुएं का पानी जो है पीते हैं और कितने लोग कुएं का पानी नहीं पीते हैं, कमेंट में हमें बताइएगा। हम लोगों के यहाँ दोस्तों अभी कुआं वुआ सब बंद कर दिया गया है क्योंकि हम लोगों को उधर पानी का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ नल होता है तो कुएं का पानी एकदम बिल्कुल एकदम बंद हो गया है, ना के बराबर हो गया है। कहीं कहीं रहता है। धोने गए थे क्या आप? अच्छा अच्छा, वहाँ जा रहे हैं धोने के लिए भाभी। हाँ उधर मोटर भी थोड़ा भीग गया है। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ट्रेन की पटरियाँ होती है कि नहीं? हमारे यहाँ तो भाई 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ट्रेन की पटरियों के लिए। अभी बज चुका है दोपहर के 1:30 और अभी ना हमको चिंता होने लगा है क्योंकि आज ही हमको घर जाना है और कल शाम से ही सुबह तक बारिश हुआ और अभी ना पूरा 2 घंटे से एकदम भयानक बारिश हो रहा है। अभी थोड़ा सा शांत हो गया है, माहौल एकदम सही है और अभी फिर से बारिश होने लगेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आज हमारा 5 बजे का बस का टिकट है जो कि हमारे घर के आसपास 100 किलोमीटर दूर पर छोड़ता है गोरखपुर जिले में। हमको जाना ही है, टिकट निकलवा लिए हैं, दोस्त निकाल दिया है। और अभी ना एक चीज़ देखकर हमको काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा बादल कहाँ है। देखिए इतना ज्यादा ये धुआं उठ रहा है ना इस पहाड़ के ऊपर से कि पता ही नहीं चल रहा है कि बादल कहाँ है। देखो कोई कोई समझ ही नहीं पाएंगे ऊपर बादल कहाँ है, कुछ नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी निकलने का वक्त हो चुका है, अभी चलते हैं, बैग वगैरह लेते हैं और निकलते हैं। बैग अपना गांव गांव जा रहे हैं। अरे कहाँ गांव जा रहे हैं, ये ना 2-4 दिन और सही जा रहे हैं गांव। मजाक करता है कि सही में? सही में अभी गांव की कब की टिकट थी? अभी तो 2-3 घंटे बाद 5 बजे से। बताया नहीं जी सुबह से, इससे जब पिछले बार आए थे तो 1 महीना रुके हैं, फिर इससे पिछले बार आए थे तो लगभग 1 सप्ताह से ऊपर रुके थे ना। हाँ हाँ, 10 दिन के आसपास है ना। सभी के घर में काम काज होती है तो ये भी अब निकलेंगे, सब इनका भी आ ही गया है। आइएगा फिर। चलिए
चलते हैं बबुआ को दिखा दीजिए एक बार। बबुआ देखिए बबुआ है अभी सो रहा। बबुआ को देख लेते हैं, अब इसके बाद पता नहीं कब देखने को मिलेगा। ये रहा विराट बबुआ, रात में सोने देता नहीं है, काफी इधर रोता है। अच्छा अच्छा, रात भर पूरा परेशान करता हुआ, चमक रहा चमक रहा, डर लग रहा। अरे हाँ देखो पैर फेंक रहा था। चलो ठीक है बाबू, बाय बाय। ए बाबू बाय बाय, वो बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा लेकिन हम लोग को। चल रहे हैं चांदनी, चल रहे हैं भाभी। चलिए फिर बहुत जल्द आइएगा। चल रहे हैं आप समझ लीजिए, सपनों का घर छोड़ के पता नहीं कब आएंगे। आइएगा बहुत जल्द। ये चांदनी मजा आ रहा, चांदनी तालाब बन गया हमारा घर के बाहर में। भैया हाँ जी, अपने यहाँ के यार जो विधायक उधायक बोलिए ना इधर रास्ता सही करें यार। अरे यार क्या करें, कितना प्रॉब्लम होती है देख रहे रास्ता का, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। ओहो हो, होता भैया आज की दुनिया में। सही कह रहे हैं आप, चल रहे हैं। अब ऐसा वैसा कब रखिएगा पंडाल वगैरह? यूपी आने का, झारखंड तो बड़ी आ रहे हो बार बार, बताओ। चलो भैया चलते हैं, सब घर और छोड़ छाड़ कर पूरा भैया का। तो हम लोग बैठ चुके हैं दोस्तों विजय भैया के कार में। चलिए ना इसको खोलिए, पहले इसको सनरूफ वाला दीजिए हमको। हैं सनरूफ है इसमें बताइए, और हमको घुमा नहीं रहे इसमें। उठ के चलो अपना बैग रख देते हैं पीछे। लो भैया बैग पीछे रख दिए, अब चलिए सनरूफ का आनंद उठाते हैं। चलिए भैया हाँ चलिए चलिए ब्रेक ना मार दे भैया, नहीं बहा उठेंगे हम। अरे खूब मजा आ रहा भैया, चलिए चलिए सनरूफ का मजा। ओहो क्या नजारा भाई, पता भैया को छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से, वो तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो ही रहा है लेकिन इतना आराम से यहाँ पर सनरूफ का मजा ले रहे हैं ना, इसकी खुशी काफी ज्यादा है। तो भैया बस आ चुका है विजय भैया, हमको छोड़ दिया यहाँ पर। चलो ठीक ना, चलो ठीक ठीक ठीक। अरे भैया चलिए चलिए ठीक, बस स्टैंड आने वाला है। हम तो बस स्टैंड पर अभी आ चुके हैं और अभी हमें मेन बस पर यहाँ पर बैठना है दोस्तों, जो हमें ले जाएगा गोरखपुर सीधा डायरेक्ट, जो कि 14-15 घंटे का आसपास का सफर रहेगा। अभी 5:30 बजे बैठेंगे बस पर और सुबह हमको पहुंचा देगा वो, लगभग 5-6 बजे के आसपास पहुंचा देगा गोरखपुर। भैया बस आ गया हमारा, चलते हैं बस के अंदर। ये रहा अपना सीट, ये देख लीजिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, शायद ये मोबाइल रखने वाला है। और इधर जो है ये किसी और का है, ये हमारा नहीं है, हम इस साइड वाला बुक कराए हैं अपने दोस्त से। गोरखपुर हम पहुंच चुके हैं और अभी हम आए छोला भटूरा खाने के लिए, और हमको लगभग 14 घंटे का सफर तय करना रहा। अभी हमको जाना है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और थोड़ा सा पहले खाना पीना कर लेते हैं। भैया छोला भटूरा लगा दीजिए। सुबह सुबह गर्मा गर्म छोला भटूरा। छोला भटूरा खा लिए दोस्तों हम, अब हमें जाना है बस्ती। भैया बस्ती जाना है, बस्ती 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 बस्ती। चलो भैया उतर गए हम, रे बाप रे बाप, घर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से हमारा घर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, और अभी हमने ये मिठाई ले लिया है, घर पर जा रहे हैं तो थोड़ा मीठा वगैरह कुछ ले लेते हैं। और जो हमारा भाई है ना दोस्तों, वो घर पर नहीं है,
तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई चिन्ह पहचान का मिल जाए, जिससे मतलब बाइक पर बैठ जाए तो वहाँ तक चले जाएंगे अपने गाँव तक। अभी हमारा भाई भाई होता है घर पर ना, तो अपना बाइक ले आता तो हम आराम से घर चले जाते, लेकिन अभी नहीं है तो अभी पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ से घर 7-8 किलोमीटर दूर है, अगर कोई चिन्ह पहचान वाला नहीं मिलेगा तो इतना दूर पैदल जाना पड़ेगा। भैया मिल गए हमको, कह रहे हैं चलिए उधर जा रहे हैं, कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है भैया, बैठ जाते हैं, कुछ दूर तक छोड़ देंगे कह रहे हैं। चलिए भैया चलिए कुछ दूर तक भैया छोड़ देंगे, उधर से हम चले जाएंगे। तो भैया यहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ से घर काफी नजदीक है। हेलो, डर रही है शायद ये ना, लो लो खा लो खा लो, लीजिए आप भी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, खा लीजिए यार, अरे खा लीजिए, इतना दूर छोड़ दिया आप। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने यहाँ तक छोड़ दिया। चलिए ठीक है, अभी हमारा गांव इधर ही साइड है, इधर से 4-5 किलोमीटर दूर है। क्या बाबा बोलिए फिर से, कहा खिया होते मिठाई खाना का आपको? अरे तो मिल जाए तो कहा ना खा ले। ठीक ठीक रुको, ये बाबा को भी एक दे देते हैं, कह रहे हैं कि मिल जाएगा तो हम भी खा लेंगे। लीजिए बाबा, लीजिए खा लीजिए आप भी, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, चलो भैया एक और भैया मिल गए हमको, गांव के ही हैं, अब तो पूरा गांव तक एकदम छोड़ देंगे। तो भैया हाँ छोड़ देंगे गांव तक। तो भैया बड़ी कृपा हुई है, घर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इधर पिताजी सामान वगैरह कुछ बेच रहे हैं। हम्मा इधर पूरा कपड़ा वपड़ा निकाल दी बैग से, सुखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना, सब साफ करना पड़ेगा। हमको हो रहा है थकान और रात भर सोए नहीं है, तो नींद भी आ रहा बहुत जोर की, मन कर रहा सोने का, और चल रहे हैं नहाते हैं फ्रेश होते हैं। और बहुत अच्छा लगा दोस्तों, विजय भैया के यहाँ गए, और सोचे नहीं थे दोस्तों कि शिवानी दीदी से भी मिल लेंगे, मनोज भैया से भी मिल लेंगे, और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आए थे, काफ़ी सारे लोग ऐसे आए थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ पर जाने के बाद जो खुशी मिली है ना, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलना, उनसे कुछ सीखना, वो बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा हमारा 4-5 दिन का जो कुछ भी सफ़र, जो कुछ भी अपना शेयर किया आप सभी के साथ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।